बात आपके दिल से जुड़ी खबर की कर लेते हैं। दरअसल इन दिनों साइलेंट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक की वजह से लोगों की जान जा रही है। सबसे बड़ी बात कि मौत का ये साइलेंट अटैक कब आए कोई कुछ कह नहीं सकता। इंदौर, निवाड़ी, गुना से हार्ट अटैक के ऐसे ही मामले देखे गए हैं। हार्ट अटैक से मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर से साइलेंट अटैक का कहर देखने को मिला है। निवाड़ी में एक पटवारी को हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने का सीसीटीवी भी सामने आया। आप देख सकते हैं, शख्स कुर्सी पर बैठता है और बैठते ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है। शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर इंदौर में एक दिन में 3 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो गई। साइलेंट अटैक ने ऑर्केस्ट्रा कलाकार, पुलिस जवान और कैटरिंग का काम करने वाले युवक को अपना शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि जवान अजय सिंह परिहार बच्ची की पेपर दिलाने के लिए छुट्टी पर आया था, लेकिन हार्ट अटैक का शिकार बन गया। 8:30 बजे करीब उनको अचानक हार्ट अटैक जो भी हुआ और फिर उनको हॉस्पिटल लाया गया, ससी नर्सिंग होम उसने नहीं लिया। उसके बाद में सेल्वी हॉस्पिटल लाया गया और वहाँ पर उनका अनुमोल मिलेगा। हाँ, हार्ट अटैक हुआ था। कौन कौन है परिवार में इनके? परिवार में इनकी 2 बच्ची है और 1 बच्चा है छोटा। कौन सी क्लास में बच्ची थी? बच्ची 10वीं क्लास में थी। वही दूसरा युवक जिसका नाम जितेंद्र सिंह बताया जा रहा है, वो गुजरात में केटरिंग का काम करने के लिए जा रहा था। रास्ते में वो नाश्ता करने के लिए रुका था, लेकिन हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। साइलेंट अटैक के तीसरे शिकार का नाम दीपक गौड़ बताया जा रहा है, जो ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट था और सोते समय उसकी मौत हो गई। मेरे लड़के कैटरिंग का काम करने गुजरात गए थे। कल मॉर्निंग में ये यहाँ से निकाल दिए, नाइट में। कल मॉर्निंग उतरे वहाँ एक होटल में नाश्ता पानी करने के लिए। 8 लड़के थे, उसमें से 1 लड़के को नाश्ता वास्ता करा और एकदम गाड़ी में बैठने जा रहा था और गिर गया। और फिर अपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला जिसम बोर खत्म हो गया। हाँ, साइलेंट अटैक से मौत। क्या नाम था? जितेंद्र। क्या उम्र थी? 35 साल उम्र थी। गुना में क्रिकेट खेलने के दौरान एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बल्लेबाजी का इंतजार कर रहा था, इस दौरान अचानक हार्ट अटैक आने से जमीन पर गिर गया। इन दिनों में साइलेंट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ना जाने कब मौत का ये अटैक आ जाए और जिंदगी का खेल खत्म हो जाए। पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जब साइलेंट अटैक ने जिंदगी छीन ली। ऐसे में लोगों को अपने दिल का खास ख्याल रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।